सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। जीव सबसे ज़्यादा अपनी आत्मा को प्रेम करता है, अपने स्वरूप को प्रेम करता है, कह सकते हैं और सब चीज़ें प्रिय है और अपना आत्मा प्रियतम है, जिससे और ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं है। यह अपना जो स्वरूप है अपने आत्मा को, इसको जानना चाहिए, यही अपना आत्मस्वरूप पाने योग्य है, यही जानने योग्य है। आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। अपने आत्मा का ही श्रवण करो, उसी का ही मनन करो और उसी को ही जानो। क्यों? क्योंकि अपना आत्मस्वरूप सबसे ज़्यादा प्रिय है। हम लोगों ने 20वें श्लोक तक ये शायद पढ़ा था सवेरे। सर्वव्याहृतेषु एवं अनुसंधातम ईदृशम उदाहरण बाहुल्यम तेन स्वाम वासयेन मतिम। इसका अपने जीवन में तमाम तरह के दृष्टांत हैं, उन सारे उदाहरणों के द्वारा इसका निश्चय कर लेना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु हमको तब तक अच्छी लगती है जब तक वो हमको सुख देती है, हमको आनंद देती है। जब कोई भी वस्तु हमको सुख नहीं देती तो उस वस्तु से हमारा संबंध टूट जाता है। कोई वस्तु है हम उसको कबाड़ी को बेच देंगे, घर है हम उसको तोड़ देंगे बेच देंगे, ऐसे ही वस्त्र है हम फट गया अब उससे हमको सुख नहीं मिलता, हम उसको जो है फेंक देंगे पोंछा बना डालेंगे। तब तक हम वस्तु से प्रेम करते हैं जब तक वो हमको सुख प्रदान करती है। यहाँ पर अब आगे प्रश्न करते हैं कि अब आपने कहा आत्मा सबसे ज़्यादा प्रिय है, उस सूत्र वही था आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो आत्मा सबसे प्रिय है, आत्मा के लिए ही सारा जगत प्रिय होता है। तो आत्मा में प्रेम कैसा है,
आत्मा में किस तरीके का प्रेम होता है। बार बार हमने ये सुना ना कि हमको सबसे ज्यादा आत्मा से प्रेम है। ये जो आत्मनस्तु कामाय, अपने आत्मा के सुख के लिए सब कुछ प्रिय होता है। तो हमने कहा कि अपनी आत्मा से सबसे ज्यादा प्रेम होता है। तो यहाँ पर द्वैत का भाव आ रहा है ना, एक है प्रेम करने वाला और एक है जिससे प्रेम है, यही तो। तो यहाँ जो शब्द आया कि हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा मैं अपनी आत्मा से प्रेम करता हूँ, तो शब्द से ऐसी ध्वनि प्रतीत हो रही है कि मैं अलग हूँ और जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ वो आत्मा हमसे ही अलग है। तो आत्मा से प्रेम कैसे है, किस तरीके का, तो यहाँ पर कुछ उसके हेतु और बताते हैं हम लोग। 21वें श्लोक से रहा था। अथ केयम् भवेत् प्रीतिः, श्रूयते या निजात्मनि, रागो बद्ध्वादि विषये, श्रद्धा यागादि कर्मणि। हाँ, दोनों में फर्क है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ से जो श्लोक की नंबरिंग है वो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तो अगर एक लाइन हम लोग और पढ़ते हैं, जिनके पास ये वाला है उसमें नहीं होगा, अगला वाला श्लोक। भक्ति स्याद् गुरुदेवादौ, इच्छा तो प्राप्त वस्तुनि, अथ अथ माने थोड़ा विषय बदल गया। कई बार आप लोगों ने सुना है अथ विषयांतर करता है, प्रसंगांतर कर देगा, प्रारंभवाची है, मंगलवाची है। ये प्रारंभ करते समय भी हम लोग संस्कृत भाषा में एक शब्द कह देते थे अथ, जैसे कहते चलिए अब नया काम शुरू करते हैं, तो हम लोगों का एक शब्द हम प्रयोग करते थे अथ, यानी प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ प्रारंभ तो है नहीं, यहाँ तो चूंकि ग्रंथ पूर्व से चला आ रहा है। फिर मंगलवाची भी माना जाता है अथ, जहाँ जहाँ पर मंगलाचरण होता है अथ शब्द प्रयोग कर देते हैं, तो मंगलाचरण का भाव उसमें समा जाता है। तो चूंकि पहले से चला आ रहा है तो मंगलाचरण भी नहीं है, तो अथ मतलब हुआ यहाँ पर विषयांतर, एक प्रसंग जो चल रहा था उससे थोड़ा अलग विषय हुआ। प्रश्न है अथ का इयम, अथ का इयम प्रीति भवित। यहाँ पर जो आपने कहा आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती, इसमें प्रीति कैसी है, इसमें प्रेम कैसे है, किस प्रकार सा प्रेम का स्वरूप कैसा है, किसमें, श्रूयते या निज आत्मनि, जो आपने अपनी आत्मा में सबसे ज्यादा प्रेम बताया वो किस प्रकार का प्रेम हो सकता है, वो प्रेम का स्वरूप बताओ, कैसा प्रेम। तो चार विभाग किया यहां पर, चार विभाग। एक विभाग है कि प्रायः हम प्रेम उससे करते हैं, कोई वस्तु जो हमसे अलग तो होती है, हमसे पृथक होती है, लेकिन उसके बाद भी हमसे पृथक तो है लेकिन उसमें हमारा कोई ना कोई ममत्व होता है। ये हमारा घर है, ये हमारी वस्तु है, ये हमारा वस्त्र है, हमसे पृथक है लेकिन उसमें हमारा कोई ना कोई ममता जुड़ जाती है, तब भी एक प्रेम होता है, उसको नाम देते हैं राग।
तो क्या आत्मा में राग है? राग के जैसे, जैसे कहीं राग होता है वैसे है। फिर दूसरा कहते हैं, हाँ, रागो बद्धु आदि विषय। राग अगर है तो कैसे होगा? जैसे घर में बहू से है, बधु माने बहु, बधु से है, पुत्र बधु से है, बहू से है, परिवार के लोगों से है, तो क्या उस प्रकार का आत्मा में प्रेम है? हाँ, एक तो ये हो सकता है, जहाँ ममता है, एक अपनापन है। दूसरा कहा, श्रद्धा यागाति कर्मणि, हमारी जो प्रीति वो श्रद्धा के द्वारा भी प्रकट होती है। बड़ा प्रेम है किसी को, कैसे? जैसे कभी हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, यज्ञ करने बैठ गए तो यज्ञ से बहुत प्रेम है, अग्निहोत्र से प्रेम है, माला जपने से प्रेम है, भगवान की भक्ति से प्रेम है। वहां पर जब श्रेष्ठ कर्म में जुड़ गए तो वहां हेतु ममता नहीं हो रही, वहां हेतु हो रहा है श्रद्धा। भगवान से प्रेम है, क्यों? श्रद्धा है। हाँ, यज्ञ से प्रेम है, क्यों? क्योंकि श्रुति ने कहा है कि जब तक शरीर है तब तक यज्ञ करते रहना चाहिए, तो हेतु क्या हुआ? श्रद्धा। तो जैसे एक प्रेम का हेतु होता है राग परिवार के लोगों में, वैसा प्रेम है, या जैसे दूसरा प्रेम का स्वरूप होता है श्रद्धा, वैसा है। तीसरा कहते हैं, प्रेम भक्ति के द्वारा भी होता है। हाँ, प्रेम भक्ति के द्वारा भी होते, श्रद्धा भी है और सेवा भी हो जाती है। यहाँ पर दोनों जुड़े, श्रद्धा के साथ जब सेवा भी जुड़ जाती है तो उसी का नाम हो जाता है भक्ति। किसमें है? कहते हैं, भक्ति स्याद गुरुदेवाद, भक्ति स्याद गुरुदेवादौ, गुरु जी में और देवता आदि में, गुरुदेव में और देवता आदि में भक्ति भी होती है। क्यों? अब वहां पर क्या हुआ? श्रद्धा भी है और साथ ही साथ सेवा भी कर दिया, लेकिन भाव तो वहां पर यही है कि भीतर कहीं ना कहीं एक प्रीति तो है। तो क्या इस प्रकार से भक्ति के जैसा आत्मा से प्रेम है, जैसे भक्ति होती वैसे आत्मा से प्रेम है? या अंत में कहते हैं, एक कहते हैं कि देखो भाई, ये सब कुछ तो नहीं है। भक्ति स्याद गुरुदेवादौ, इच्छा तू अप्राप्त वस्तुनी, एक कामना भी होती है, एक इच्छा भी होती है। इच्छा किसकी होती है? अप्राप्त वस्तुनी, जो चीज हमको अभी प्राप्त नहीं है उससे भी प्रेम दिखाई पड़ता है। हाँ, अभी प्राप्त नहीं है लेकिन प्रेम उससे भी दिखता है। कैसे प्रेम? यह वस्तु हमको मिल जाए, अमुक चीज हमको मिल जावे, उससे भी होगा। तो जैसे अप्राप्त वस्तु से प्रेम होता है, क्या वैसे है? हाँ, नहीं नहीं समझ आ रहा। हाँ, तो ये चार प्रकार से प्रीति हमको दिखाई पड़ती है। चार प्रकार से भेद करना, एक तो वस्तु से प्रीति है लेकिन वस्तु अभी प्राप्त नहीं है। हाँ, अरे किसी बच्चे का जन्मदिन आने वाला हो, वो 5 दिन पहले से याद करने लगता है ना, मेरा हैप्पी बर्थडे आएगा। क्यों याद कर रहा है? क्योंकि जो आएगा, हर आदमी कोई ना कोई एक गिफ्ट लेके आएगा, और मेरे ख्याल में जब बच्चों को गिफ्ट मिलता होगा तो उनका अब मेहमान से उतना प्रेम नहीं रहता। वो फिर इंतजार करते हैं मेहमान कब जावे, कब हम खोले मेहमान जावे और हम इसको खोल के देखें। ओ, तो अब वो जो वस्तु अप्राप्त है उससे भी प्रीति है। तो यहाँ चार प्रकार का भेद किया, अप्राप्त वस्तु से जो प्रीति है उसको हम नाम दे देते हैं कामना, अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा जो है उसी का नाम हो गया कामना। क्या आत्मा से ऐसे है? राग के जैसे है,
जैसे घर के वधु आदि से होता है, श्रद्धा के जैसे है प्रीति, जैसे यज्ञ आदि में होता है, भक्ति के जैसे है आत्मा से प्रीति, जैसे देवता और गुरुदेव आदि में होता है। तो जो आपने कहा आत्मनस्तु कामाय, अपनी आत्मा के लिए ही सब प्रिय होते हैं, तो अपनी आत्मा के साथ प्रीति है वो कैसी है, इसका आप हमको समाधान करिए। खास करके यहाँ एक प्रश्न है, ननु आत्मशेषत्वेन सर्वस्य प्रियत्व उक्ते है आत्मनः प्रियतमत्वम उक्तम अनुपपन्नम, क्यों प्रीति विकल्पे, यह प्रीति के चार विकल्प हो गए, चार इसके तरीके हो गए, तो इसमें आप बताइए आत्मा से प्रेम कैसे है, हिसाब लगाओ कैसा होगा। आत्मा जैसे एक कहा कि अप्राप्त वस्तु, जैसे जो चीज मिली नहीं है उससे भी हमारा प्रेम होता है, क्या आत्मा अप्राप्त है, आत्मा अप्राप्त है आज, तो इस श्रेणी में तो फिर आएगा नहीं, क्योंकि आत्मा अप्राप्त है नहीं। दूसरी श्रेणी किया, जैसे घर में वधू आदि से प्रीति होती है, क्या ऐसे आत्मा अलग है और हम अलग हैं, ऐसा होगा, बोले ये भी नहीं हो सकता, राग का वहां पर स्वरूप नहीं होगा। तो तीसरी श्रेणी कहा कि जैसे आप श्रद्धा करते हो श्रुति के वाक्यों पर और यज्ञ यागादि करते हो, ऐसा बोले यज्ञ यागादि करते हो तो वहां भी अनेक अनेक सामग्री होती है, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है और चित्त में कोई ना कोई स्वर्ग आदि का प्रयोजन होता है, ऐसा भी आत्मा नहीं है, ऐसा भी आत्मा नहीं है। और चौथी श्रेणी जो बताया था वहां पर कि भक्ति किसमें, जैसे गुरुदेव में और देवता में, बोले ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि वहां भी अपने से अलग मान करके ही हमारी भक्ति होती है, इसलिए भक्ति में द्वैत को माना जाता है। और एक सूत्र ही बोल देते हैं, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अपि सुंदरम, ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, भक्त्यर्थम भक्ति के लिए कल्पित द्वैत, भगवान है मैं भगवान का भक्त हूँ, कल्पना करके जो भगवान से प्रेम करता है वो अद्वैत से भी सुंदर, अद्वैतात अपि सुंदरम, हाँ अद्वैत से भी बढ़िया। पूछा क्यों, बोले व्यवहार तो ज्यादातर हमारा द्वैत में ही होता है ना, हमको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, जल चाहिए, हमको समाज के बीच में रहना है, तो ज्यादातर तो समय हमारा व्यवहार द्वैत में होता है, तो द्वैत में अगर भक्ति का भाव बना रहेगा तो अद्वैत तो कभी ना कभी अनुभव में ही आ जाएगा, समाधि काल में अद्वैत और व्यवहार काल में द्वैत, ये ज्यादातर संत लोग कहते हैं। तो ऐसा भी आत्मा द्वैत नहीं है, आगे सब अब इसी का जो है समाधान आगे करते हैं कई श्लोकों में, ये मूल प्रश्न है, यहां पर ये मूल प्रश्न था, आत्मा में प्रेम कैसे, प्रेम का स्वरूप क्या है। अब वो नारद भक्त सूत्र में यहीं से शुरू किया ना, सातु अस्मिन परम प्रेम रूप, अमृत स्वरूपाचा, वहां प्रेम का स्वरूप बताया, फिर वहां पर प्रेम का स्वरूप बहुत सारा कुछ बताया, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, ऐसा वहां पर प्रेम का लक्षण बताया। हाँ, हाँ अगला श्लोक पढ़ते हैं, यहां पर पांच चीजें आएंगी आगे, आत्मा के स्वरूप के वर्णन में आत्मा में प्रियता कैसी है उसको समझाने के लिए पांच चीजें आएंगी। तारहेस्तु सात्विकी वृत्ति सुख मात्रानुवर्तिनी, ये जो एक लाइन है इस लाइन में एक तरीके से उत्तर है, तरही तरही तो फिर तो,
अगर आपने चार विभाग किया आत्मा में प्रेम का, तो फिर तो आत्मा में प्रेम कैसा होगा? सात्विकी वृत्ति, सुख मात्र अनुवर्तिनी। शायद एक दिन हमने इस विषय को लिया था, सात्विक सुख, याद होगा व्यवहार काल में, वहां पर जब वर्णन आया था, हाँ सुख वृत्ति का, याद होगा ना, कि जैसे ध्यान में बैठा, योगानंद प्रकरण में आया था, ध्यान में बैठा तो वहाँ पर एक अपना ब्रह्मानंद में गया, निजानंद में गया, स्वरूप में गया, फिर उसके बाद जब व्यवहार में आता है तो वही सुख वृत्ति को बनाए रखता है, ऐसा प्रसंग आया था। तो तरही तू सात्विक वृत्ति, तो सारा व्यवहार करते समय एक भाव जो बना रहता है सुख मात्र, हम ये चीज देखते हैं क्योंकि इससे सुख मिलता है। अरे टीवी देख रहे हैं, टीवी में भी जो चीज दिखाई पड़ रहा है उससे अच्छा नहीं लगा तो चैनल बदल दिया, इससे सुख नहीं मिला दूसरा वाला चैनल लगा दिया। गाना सुन रहे हैं, इससे सुख नहीं मिला तो दूसरा वाला कर दिया। वस्त्र पहना, ये अच्छा नहीं लगा तो दूसरा वाला उठा करके पहन लिया। तो पूरा दिन भर हमारा कैसा रहता? सुख मात्र अनुवर्तिनी, केवल हम सुख के, सुख का कार वृत्ति हमारी मूल में रहती है। भोजन की थाली भी रख दिया जाए, उसमें 9 चीजें रखी हैं, क्या खाओगे? जिससे सुख मिलेगा, जिससे सुख मिलेगा, जिससे सुख नहीं मिलेगा उसको हम नहीं। और कई बार तो हमने भी ऐसा किया, कई बार मिर्ची खा लिया, हाँ, लेकिन जब मिर्ची खाए तब भी खाए तो थे सुख ही के लिए ना, अच्छा लगेगा, थोड़ा जवान, थोड़ा चरफरी हो जाएगी। अब इतना अच्छा लगा कि आंखों से दोनों पानी बहने लगा, सी सी करके। बहुत बार ऐसा हुआ कि अब मिर्ची तो खा तो लिया, एक बार तो काट लिया, और कई जगहों पर होता है कि थाली में इतना भी छोड़ना ठीक नहीं होता। आश्रम में अब थाली में छोड़ा नहीं जा सकता, और अब पूरी मिर्ची खाने का दम नहीं है, तो करो क्या फिर? फिर ऐसे समय पर फिर वो मिर्ची मुंह में रखा और टेबलेट जैसे, हाँ, पानी से पी लो, क्या कर सकते हो। लेकिन हमने मिर्ची भी खाई तो सुख के लिए, चटनी भी खाई तो सुख के लिए, हमने पानी भी पिया तो सुख के लिए, सुख मात्र अनुवर्तिनी। और यह जो सुख मात्र वृत्ति रही वो कैसी है? सात्विक वृत्ति है। अगर क्रिया प्रधान होता तो रजोगुणी हो जाती, निद्रा आलस प्रमाद वाला होता तो वो तमोगुणी हो जाती। ये पूरा दिन हमारा व्यवहार कैसा रहा? सुख मात्र अनुवर्तिनी, क्या इसको मान ले? तरही तू फिर तो इसी को प्रीति मान ले, इसी को प्रेम मान ले, कि यह जो दिन भर हम सुख चाहते हैं यही आत्मा का प्रीति है, यही आत्मा का प्रेम है। यहां पर प्रश्न समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा प्रश्न? जैसे पूछा उसने कि आत्मा में प्रेम कैसा है, तो उसने चार दृष्टांत दे करके कहा कि जैसे अप्राप्त वस्तु की कामना होती वैसा प्रेम है, कामना जैसे, या जैसे राग के आधार पर प्रेम होता है परिवार के लोगों से वैसा, या जैसे श्रद्धा के अनुरूप प्रेम होता है वैसा, या जैसा भक्ति के अनुरूप प्रेम होता है वैसा। तो चारों तर्क की कसौटी पे खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि आत्मा अप्राप्त नहीं है इसलिए पहला वाला कट जाएगा, फिर आत्मा दूसरा नहीं है इसलिए जैसे परिवार के लोग हैं वो चीज कट गई, फिर आत्मा को कोई विशेष स्वर्ग आदि का प्रयोजन नहीं है तो इसलिए तीसरा वाला श्रद्धा वाला कट गया। तो ये जब चारों सब कट गए तो कहता है फिर इसका मतलब हम मान ले कि जो दिन भर हम सुख के लिए करते हैं वही आत्मा का प्रेम है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, तो वो जो सुख का आधार है, हम सुख के लिए कर रहे हैं वही आत्मा का प्रेम है। तो आगे फिर इस बात को समझाते हैं कुछ लक्षण के द्वारा। अब आगे जो आएगा उसका सिद्धांत समझिए, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। किसी भी चीज को बताना हो तो हमको उसके लक्षण और प्रमाण के द्वारा ही हम उसको सिद्ध कर पाते हैं। तो आत्मा से प्रेम है उसके कुछ लक्षण, कितने लक्षण? 5 लक्षण। आत्मा से प्रेम के 5 लक्षण कहते हैं, यहां से शुरू करते हैं।
तो श्लोकों का क्रम थोड़ा आगे पीछे हैं आप लोगों के ग्रंथ में। तो देखो, प्राप्ते नष्टे पि सद्भावात्, इच्छा तो व्यतिरिच्यते, सुख साधन तो पाधे, अन्न पानादय प्रियः। देखो, सबसे पहले वो जो कहा था अप्राप्त वस्तु की कामना, उसके जैसा प्रेम है, उसके जैसा, तो कहते हैं नहीं, उसके जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राप्ते नष्टे अपि, कोई वस्तु आपको कल नहीं प्राप्त थी, आपने परिश्रम किया और आज चीज मिल गई, तो उसको हमने कहा प्राप्ते। जो पहले नहीं था, हमारी मेहनत से वो चीज हमको मिल गई, तो हम उसको कहते हैं इस चीज को हमने प्राप्त कर लिया। विशेष बात ये है कि जो चीज पहले नहीं थी आज मिली है, एक बात बिल्कुल पक्का है कि वो हमेशा आपके पास रहे नहीं सकता। कारिका आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा, है ना? जो पहले नहीं था वो अभी मिला है, तो कभी न कभी तो वो बिछुड़ेगा जरूर। ये बिल्कुल आप अपने मन में बिठा के रखो, बिल्कुल हृदय में। एक जूता मिला, पक्का वो जूता बिछुड़ेगा। कब? फट जाएगा, फट जाएगा, नहीं तो कोई चुरा लेगा या कोई नया मिल जाएगा, तो आप उसको जो है छोड़ दोगे, छूटेगा जरूर। वस्त्र मिला, छूटेगा जरूर। परिवार में लोग मिले, वो क्या समझते, वो नहीं छूटता? तो फिर क्यों क्यों लोग रो रो के मरते हैं? फिर क्यों लोग रो रो के मर जाते हैं? कन्या है तो शादी होकर के अपने घर चली गई, है ना? अरे महाराज, फिर जो है, जो कन्या हमारी अपनी 25 साल तक हमने पाला पोसा, 25 साल तक, अरे राम राम, बाद में वही जो है कहती है, फिर बाद में कहती है मम्मी क्या करूं, बच्चे का स्कूल है, अब हम ध्यान रखना अपना, फोन पर बता देना, है ना? ये लगभग सभी के साथ है, क्योंकि अब उसका अपना घर है। फिर लड़का है तो फिर लग गई नौकरी उसकी, कहाँ पर, बोले जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ चला गया। कौन नहीं बिछुड़ता जी? इस जगत में, इस जगत में ये सिद्धांत है कि जो प्राप्त होती है वह नष्ट, वह कभी न कभी ही नष्ट हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर देखो, इसका थोड़ा अन्वय करना तो समझना। हाँ, जो अन्वय होगा इसका, प्राप्ते इच्छा तो नष्टे अपि सद्भावात् व्यतिरिच्यते, ऐसा होगा। प्राप्ते इच्छा तो नष्टे अपि, हमको कोई वस्तु पाने की कामना थी, तो प्राप्ते इच्छा तो नष्टे अपि, जब हमको चीज मिल गई तो वह जो इच्छा थी वो अब हो गई पूरी। हाँ, ठीक है। प्राप्ते इच्छा तो नष्टे अपि, वो इच्छा हमारी अब शांत हो गई, क्योंकि जो चीज चाहते थे वो चीज हमको प्राप्त हो गई। तो प्राप्ते इच्छा तो नष्टे अपि, वैसे वहां पर इच्छा तो में इच्छा धन अतः, ऐसा कर लो। प्राप्ते इच्छा नष्टे अपि अतः सद्भावा व्यतिरिच्यते, तो जब प्राप्त वस्तु हो गई तो इच्छा नष्ट हो गई, तब भी उसके बाद भी सद्भावात् व्यतिरिच्यते, उसके बाद भी हम बने रहते हैं। उसके इच्छा नष्ट हो गई, लेकिन एक भाव है
मैं हूँ। इच्छा थी, वस्तु हमको मिल गई, इच्छा शांत हो गई, और फिर भी हमारे भीतर है, मुझको अच्छा लग रहा है, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ। इसका मतलब कि वह जो आत्मा है, वह आत्मा अप्राप्त वस्तु के जैसे नहीं। क्लियर हो रहा? हाँ, अरे सीधा अपनी आत्मा का प्रेम। चलो, कल हम आत्मा को नहीं जानते। संसार में क्या है कि किसी वस्तु की इच्छा थी, आज वो चीज मिल गई, तो आपकी इच्छा क्या हो गई? अब आपकी कामना शांत हो गई ना, नष्ट हो गई ना? कल हम अज्ञानी थे, कल हमको था कि आत्मा का ज्ञान चाहिए, तो आत्मा के ज्ञान की कामना हुई ना? कल जिजीविषा हुई ना, जानने की इच्छा हुई ना, जिज्ञासा हुई ना कि मैं अपनी आत्मा को जानूं, तो कल हमको जानने की इच्छा थी। आज आपने आत्मा को जान लिया, तो क्या आपकी वो नष्ट हो गया कुछ? हाँ, नष्ट हो गया। आप अपनी आत्मा, वो वहां कहा, इसलिए कहा सद्भावात। सद्भावात माने सदा अपने अस्तित्व का होना, मैं हूँ, ये हमेशा बना रहता है। सीधा सा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अपनी आत्मा ऐसी नहीं है कि उससे एक दिन प्रेम नहीं था, फिर एक दिन आत्मा से प्रेम हुआ, और एक दिन आत्मा से प्रेम नष्ट हो, ऐसा संभव नहीं। आत्मा से प्रेम सद्भाव हमेशा बना रहता है, ज्यों का त्यों। संसार की वस्तु का प्रेम थोड़े दिन तक रहता है, उसके बाद वह समाप्त हो जाता है। आत्मा का प्रेम पहले भी था, नहीं जानते थे तब भी, जान लिया तब भी, आत्मा का प्रेम सदैव रहता है। हम अपने आप से हमेशा प्रेम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी अपनी सत्ता उसी से है। यहाँ सीधा सा एक कहना है कि मुझको स्वयं से हमेशा प्रेम है, इसलिए वह अप्राप्त वस्तु के जैसे वाला, कामना वाला नहीं। कभी कभी ऐसा कहा जाएगा, आत्मा को पाने की कामना करो। कैसे कहा? आत्मनस्तु कामाय, शब्द पर ध्यान देना, आत्मनस्तु कामाय, आत्मा की कामना के लिए, कामाय, तो वहां पर जो शब्द आया था कामाय, तो उस पर विशेष करके यह पंक्ति है। कैसी कामना? तो कहा वहां पर आत्मा को हम पाने की कामना कह देते हैं कि आत्मा को पाने की इच्छा करो, लेकिन आत्मा नित्य है, वो अपना सर्वव्यापक है, वहाँ पर हमेशा अपनी सत्ता का सुख हमको बना रहता है। इसलिए वह जो एक श्रेणी थी, अप्राप्त वस्तु में जैसे कामना होती है, वैसे क्या आत्मा में प्रेम है? तो उसका निषेध किया, नहीं, वैसे नहीं। अपनी आत्मा के प्रति अप्राप्त वस्तु के जैसे नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का प्रेम नित्य है, हमेशा है, सद्भावात् हमेशा रहती है, ज्यों का त्यों। थोड़ा सा गंभीर होगा अब विचार करना। फिर अब देखो, फिर एक लाइन है, हाँ अभी दूसरा है, कहते हैं सुख साधनता उपाधे अन्न पान आदया प्रिया। सुख साधनता उपाधे, कभी कभी अब हमको सुख का साधन चाहिए, सुख साधनता उपाधे, सुख का साधन चाहिए। क्या सुख का साधन चाहिए? जिससे जिससे सुख मिलता है वो चीज चाहिए हमको, अन्न पान आदयः। सुख का साधन क्या चाहिए? अब अन्न चाहिए, जल चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, चीजें चाहिए, तो ये जो सुख के साधन है, उनकी इच्छा हमारे भीतर होती है। क्या वैसा है आत्मा का प्रेम? आज इस वस्तु को हम पा लेंगे तो सुखी हो गए, ऐसा हमको भोजन मिल गया, अन्न, तो मैं सुखी हो गया, तो क्या ऐसा है? तो कहते हैं नहीं, ऐसा भी नहीं है।
क्योंकि ये सुख के साधन सब उपाधियां हैं। सुख साधनता उपाधे, ये सब की सब उपाधियां हैं। यहाँ जो है अगर मूल सूत्र दिया यहाँ पर कि सुख के जितने साधन हैं वह भोग्य होंगे और आप भोक्ता बन जाओगे, तो वहाँ द्वैत हो जाएगा। सुख के साधन भोग्य होगा और आप उसके हो गए भोक्ता, तो भोग्य वस्तु को जब भोक्ता ग्रहण करता है तो वहां पर द्वैत हो गया, ऐसा अपनी आत्मा का सुख नहीं। यहां भोक्ता भोग का द्वैत नहीं है, ऐसा नहीं है कि अच्छा जैसे कोई कहे आज हम अपनी आत्मा के होने में सुखी हैं, देखो ऐसा अगर कोई कहे कि हम अपनी अपने आत्मा के होने में हम सुखी हैं, तो क्या कह रहा है? आत्मा है तो हम सुखी। जो कह रहा है हम सुखी हैं, हम वो कौन हुआ? हाँ, जिसने कहा हम सुखी हैं तो उसने कहा, कह क्या रहा है? आत्मा के होने से हम सुखी, तो आत्मा को बना रहा है भोग्य और खुद को बना रहा है भुक्ता, तो आत्मा से अलग अपने आप को समझ रहा है, ऐसा आत्मा नहीं है, वहां द्वैत नहीं है, भोक्ता भोग्य का भेद नहीं है, आत्मा स्वयं ही वो अपने आनंद में पूर्ण है, या कहना चाहो तो त्रिपुटी वहां पर जाके शांत हो जाती है। अगर ऐसा पूछे तो फिर अगला प्रश्न आ जाएगा, फिर ये जो कह रहा है मैं सुखी हूं, इसका भोक्ता कौन है, इसका साक्षी कौन है, इसको जानने वाला कौन है? तो आप कहोगे आत्मा है, आत्मा के साक्षी से जानता है कि मैं सुखी हूं, यही कहोगे ना। देखो पहला शब्द क्या बोला कि आत्मा के होने से मैं सुखी हूं, ठीक है, जो मैं सुखी हूं जाना किससे, किसकी शक्ति से, तो आपने कहा आत्मा की शक्ति से, हाँ, तो एक दोष हुआ, बहुत भयंकर दोष हुआ, इसका नाम है चक्रिकापत्ति दोष। जैसे अनवस्था दोष, बद्धतो व्याघात दोष, ये सारे दोष पढ़े हैं ना बीच बीच में, आत्माश्रय दोष है ना, तो बद्धतो व्याघात दोष, तो अनवस्था दोष, तो इसका नाम है चक्रिकापत्ति दोष। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? हमने कहा सुनो सुनो, आपने कहा क्या? मैंने कहा तुम्हारे बारे में वो फला आदमी ऐसे ऐसे बोल रहा था। अच्छा, उसकी हिम्मत मेरे बारे में बोल रहा था, मेरी बुराई कर रहा था, बुलाता हूं अभी चलो उसके पास। अब पकड़ लिया उसको भी, जिसने हमको बताया उसको भी, और उसको भी पकड़ लिया। तुम बताओ, तो उसने कहा हमने थोड़े उस हमको उसने बताया था, हाँ, हमको उसने बताया था, तो अब इसमें दोष कौन सा हो रहा है? चक्रिकापत्ति, गोल गोल घूमते रहोगे, हाँ, का ने बताया खा को, खा ने बताया गा को, गा ने फिर बताया का को, घूम गए, और इसका अंत ना मिले तो उसको होंगे अनवस्था दोष, और गोल गोल घूम गया तो फिर चक्रिकापत्ति दोष। तो अगर ऐसा कहोगे आत्मा के होने से मैं सुखी हूं, तो फिर मैं सुखी हूं किससे जाना? बोले आत्मा के प्रकाश में, तो फिर हम कहेंगे आत्मा के प्रकाश को कौन जाना? बोले हमने जाना, तो आप गोल गोल फिर घूमो। असल में वो आत्मा ही जानने वाला है, वही आनंद स्वरूप है, वहां पर भोक्ता और भोग्य का भेद नहीं। दो दिन से आप लोग बड़ा सरल सरल सुन रहे थे, अब थोड़ा सा जो है ना, अब थोड़ा बुद्धि को चलाओ। लेकिन अब इसमें देखो एक प्रश्न पूछ दिया, उल्टा प्रश्न है, आत्मानुकूल्यादन्नादि समश्चेद मुनात्रकः अनुकूलैतव्या स्यात् नैकस्मिन् कर्म कर्तृता। हर समय भोजन अच्छा लगता है क्या?
हर समय भोजन अच्छा लगता है। हाँ, हमको सूचना मिली, किसी ने न्योता दिया, अब वो 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, बिल्कुल पूरा रख दिया, और उसी समय हमको फोन आ गया कि कोई ना कोई एक जो है कोई दुर्घटना हो गई। अब वो सारा भोजन हमको अच्छा लगेगा क्या? वो जितना तुमने कहा था ना, अन्नपान आदि पहले बोला था ना, अन्नपान आदि बताया था ना कि सुख के साधन जितने हैं कौन है, वो सुख के साधन है अन्न जल आदि। तो कहते हैं कि ये अन्न आदि भी, अन्न है, वस्त्र है, ये सब तभी सुख देते हैं जब आपका अपना मन ठीक हो। आत्मा अनुकूल्यात्, अपने आत्मा के अनुकूल होवें तब, आत्मा के अनुकूल होने पर ही, आत्मा अनुकूल्यात् अन्नादि समश्चेत्, आत्मा की अनुकूलता होने पर ही, कभी कभी जो है अब ऐसे ना खूब बुखार हो गए, उस समय जो है उसको कह दो कि नहीं बहुत गर्मी का सीजन है, आप पतला सा कपड़ा ओढ़ो, मलेरिया का बुखार है, तो कहता है दो रजाई डालो हम पर ना, दो रजाई डालो, और ठीक ठाक है आदमी और उसको एक रजाई ओढ़ा दो कंबल, गर्मी के समय में परेशान हो जाएगा। तो अपनी आत्मा के अपने भीतर जैसी भावना होती, उसके अनुकूल होने पर ही ये सब सुख देते हैं। अपना मन ठीक ना होवे, अनुकूल ना होवे, तो ये अन्न जल वस्त्र ये सब कुछ भी सुख नहीं। सारी चीज पांचों विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन दुखी हो आप गाना बजाओ, देख लो ये केवल फिल्मों में ही होता है, वहां दुख हुआ तो भी गाना होता है, किसी को घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, भाइयों ने भाई को, भाभी को घर से, जिसने पाला उसी को घर से निकाल दिया, वो अपना बैलगाड़ी पे घर का सामान रखे निकल पड़े, जब निकल पड़े तो गाना आता है, चल उड़ जा रहे पंछी अब ये देश हुआ, गाना पुराने लोगों को याद आया ना, तुम्हारे जमाने का है ना, चल उड़ जा रहे पंछी, तिनका तिनका चुन करे, हा हा। तो अब वहां दुख में भी गाना, सुख में भी गाना, खाते समय भी गाना, मरते समय भी गाना। हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं, अगर मन दुखी हो और कोई गाना गावे तो फिर तो डंडा उठा के मारने का मन होगा। तो आत्मा अनुकूल्यात् अन्नादि समः चेत, चेत अगर ऐसा समझें तो कि आत्मा के अनुकूल होता है तभी अन्न जल आदि सुख देते हैं, अन्यथा नहीं। अगर ऐसा कहें तो, तो सिद्धांती ने फिर पूछा, चेत अमुना अत्र कहा, अमुना अत्र कहा, यहां जो तुमने कहा अनुकूलता, तो ये अमुना, अमुना अत्र, अत्र माने इस प्रसंग में, अमुना अनुकूल करने वाला कह कौन होगा? यहाँ पर फिर आत्मा के ये चीज अनुकूल है या अनुकूल नहीं है, इसका निर्णय करने वाला कौन होगा? आत्मा ही है। अगर आत्मा ही है इसका, तो ना एकस्मिन कर्म कर्तिता, अगर तुम कहो कि अनुकूल तव्यता स्यात्, ये आत्मा ही अपने आप को निर्णय करती है, तो ना एकस्मिन कर्म कर्तिता, एक ही व्यक्ति कर्म और कर्तृता, भोग्य और भोक्ता, ये दोनों नहीं हो सकता। भोग्य वस्तु और भोक्ता, इसको अब हो गया दोष ना कर्माश्रय दोष, ये कर्माश्रय दोष हो गया, क्या कहें इसका, कोई आदमी आया, हमने पूछा कैसे आए, तो उसने कहा हम अपनी टांगों को सर पे रख के आए। हो सकता है ऐसा? आप आए हो ना, आए हो ना, गमन की क्रिया किए हो ना, गमन की क्रिया किए हो तो कह क्या रहे हो कि अपने पांव को हम
तो आप ही कर्म और आप ही क्रिया नहीं हो सकते। पांव चला होगा आप आए होंगे। और कोई दृष्टांत बताओ, उदाहरण कर्माश्रय दोष का, आत्माश्रय दोष का। एक ही व्यक्ति, अब जैसे भोग्य जो वस्तु है वो हमसे अलग होगी तभी तो उसको मैं भोगूंगा ना। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, अन्न है, जल है, हमसे अलग है ना, अलग है ना, तब तो हम उसका रस लेते हैं ना। हम हो गए भोक्ता और वस्तु हो गई। एक ही चीज, एक ही व्यक्ति भोक्ता और भोग्य दोनों नहीं हो सकता। कर्ता और कर्म दोनों एक नहीं हो सकता। कर्ता, कर्ता माने हल चलाने वाला। हल चलाने वाला कहाँ हल चलाया, बोले अपने सर पे। बोले ऐसे कैसे होगा, हल चलाएगा कहाँ पर, खेत में। खेत में हल चलाएगा, किससे हल चलाया, बैलों से हल चलाया। तो कर्ता और कर्म एक में नहीं होते, भोक्ता और भोग्य एक में नहीं होते। इसलिए ये जो तुमने कहा आत्मा के अनुकूल होने पर सुख मिलता है, ये बात अगर तुम कहते मन के अनुकूल होने पर सुख मिलता है तो हम मान लेते। थोड़ा समझना यार, मन के अनुकूल होने पर सुख मिलता है ये बात तो सही है, लेकिन तुमने कहा क्या कि आत्मा के अनुकूल। तो आत्मा तो एक है, उसके अनुकूल और प्रतिकूल तो कुछ है ही नहीं। आत्मा की दृष्टि से तो दूसरा है ही नहीं। इसलिए इसका निर्णय कौन करेगा कि आत्मा के अलावा और कौन है। आत्मा से अलग कोई दूसरा होवे, फिर वो अच्छा होवे तो अनुकूल, बुरा होवे तो प्रतिकूल, ऐसा कहाँ पर है। कौन निर्णय करेगा इसको, कौन निर्णय करेगा इसका, ये बात संभव नहीं है। आत्मा ही चलने वाली, आत्मा जहाँ पर चली वो भी आत्मा, ये चीज संभव नहीं। हाँ, नहीं समझ आया ना, बस ऐसे समझो। तीन दिन से बड़ा आसान आसान लग रहा था, दो दिन से ना, दो दिन से बहुत आसान लग रहा था, तो अब थोड़ा समझो कि पंचदशी जो है। फिर अब देखो तीसरा हेतु देते हैं। सुखे वैषय के प्रीति मात्र आत्मा त्वित प्रियः, सुखे व्यभिचरतेश नात्मनि व्यभिचारिणी। देखो दो उत्तर दिया है। पहला उत्तर दिया है कि जो वस्तुएं प्राप्त नहीं है उसकी जो कामना होती है वैसा अपनी आत्मा का नहीं। आत्मा का प्रेम नित्य है, हम हमेशा अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं हमेशा। दूसरा दिया कि हमारी अपनी आत्मा को जो वस्तु अनुकूल लगती है, अच्छी लगती है, वो चीज को हम संग्रह करते हैं, उससे हम प्रेम करते हैं, इसलिए हमारी आत्मा सबसे ज्यादा प्रिय। तीसरा दृष्टांत, तीसरा जो हेतु दिया, सुखे वैषयी के प्रीति मात्र, वैषयी के सुखी प्रीति मात्रम, विषयों में जो सुख है वो प्रीति है, विषयों का सुख इतना सा है, प्रीति है। और आत्मा तो अति प्रिय, आत्मा कैसा है, प्रियतम है। विषय हमको प्रिय है और आत्मा हमको प्रियतम है। अब इसको समझाने के लिए कई बार देखो क्या समझाते हैं कि अगर कोई आदमी कहे कि महाराज एक आदमी आ गया पहलवान डंडा लेके, तलवार लेकर के, उसने कहा चश्मा दे दो नहीं तो अभी तुम्हारी गर्दन काटता हूँ। डर के मारे हमने चश्मा उसको दे, क्योंकि चश्मे से ज़्यादा प्यार हमको खुद को, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेम अपने शरीर से है ना, यहाँ इससे। अब इस शरीर में भी अगर कोई वही पहलवान डंडा लेके आवे और वो कहे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, दो डंडा मारना है, बताओ कहाँ मारूं, पसंद तुम्हारी, जहां तुम कहो वहां मारूं, हाँ बिना दो डंडा मारे छोड़ूंगा नहीं,
कहाँ मारूं? तो आप क्या कहोगे, गाल पर मारो? हाँ, आप कहोगे भैया अब जब बिना दो डंडा मारे छोड़ेंगे नहीं तो पीठ पे मार ले या जांघ पर मार ले। इसका मतलब पीठ और जांघ से हमको अपना चेहरा ज्यादा प्रिय है, ठीक है ना, इससे ज्यादा प्रिय हो गया, तभी तो इस पर चोट खा लेंगे। ये जातना मोटरसाइकिल चलाते हैं इसी को बचा के हेलमेट पहन लो। पूछा हाथ? बोले टूट जाएगा तो ठीक हो जाएगा। पांव? बोले टूट जाएगा तो जुड़ जाएगा, ये इसको बचा लो। आगे अब वही पहलवान कहता है नहीं हमको तो मारना है, अब तुम बताओ तुमने कहा चेहरे, तुम्हारे चेहरे पे मारना है, बताओ कहां मारूं? पीठ पे नहीं मारूंगा, टांग पर नहीं मारूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मारना है, बताओ कहां मारूं? बिना बिना पिटे जाओगे नहीं? तो हम कहेंगे भैया गाल पे मार ले, आंख बचा देना। यही कहोगे ना, अब जब मारना है तो गाल पे मार ले, आंख तो हमारी ही। इसका मतलब गाल से ज्यादा आप चोट भी लग जाए तो आदमी कहता चलो आंख बच गई, भगवान की बड़ी ही कृपा थी। इसका मतलब अपने शरीर में इससे ज्यादा आप हाथ है पांव है एक एक, और सबसे ज्यादा आप तो अब क्या हुआ कि आप जो है पांव से प्रेम करते हो लेकिन पांव से ज्यादा प्रेम गाल से प्रेम है लेकिन उससे ज्यादा प्रेम आपको आंख से भी प्रेम है लेकिन उससे ज्यादा अपनी आत्मा से। इस बात को कहा सुखे वैषयिकी, विषयों में सुख तो है लेकिन प्रीति मात्र है, थोड़ा है, और अपनी आत्मा से अति प्रिय सर्व सबसे ज्यादा प्रेम है। ये तीसरा हेतु हो गया। चौथा हेतु देते हैं, संसार का सुख देखो कैसा है, सुखे व्यभिचरति ऐसा, संसार में जो प्रीति है वो बदल जाती है, व्यभिचरति माने बदल जाती है। आज जिस चीज से प्रेम है कल उसी चीज को देखने का मन नहीं करता। हा? अरे इतनी जल्दी व्यभिचार होता है ना कि तुमने इतना ज्यादा खिलाया है इन लोगों को ना, विद्यार्थियों को, कि वो मिठाई से जो है देखने का मन नहीं करता उनको, है कि नहीं? ऐसा हो गया कि अभी भी जो है रखते हैं छुपा छुपा के। अब आज ये बन रहा है कल वो बन रहा है परसों, मतलब मिठाई भी देखने का मन नहीं करता। क्यों? बोले कल इसी मिठाई से बहुत प्रेम था, अब मिठाई खा के मन भर गया तो अब उसका प्रेम जो है देखने के भी मन हो रहा है, तो व्यभिचार हो गया उस चीज से। तो इसको कहते हैं संसार की चीजों में जो सुख है व्यभिचरत ये सा, वो बदल जाता है। कभी आपको अपनी आत्मा से हो गया, चलो अपने आप से बहुत प्रेम था अब बदल लेते हैं, आज कम कर देते हैं आत्मा से। बोले अपनी आत्मा में इसमें कभी कोई व्यभिचार नहीं होता, सबसे ज्यादा सोते जागते चलते फिरते काम करते सबसे ज्यादा हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हमेशा, इसमें कभी कोई छुट्टी हम नहीं लेते। संसार में तो प्रेम बदलता रहता है बदलता रहता है, इसलिए अपनी आत्मा सबसे ज्यादा प्रिय है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती। अब यहाँ पर इसके बाद एक हेतु और है, हम लोग कल उसको देखेंगे सवेरे, यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।